हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फोकस में। तो हम डिस्कस करें साइकोलॉजी यानी CDP। तो आज हम सेशन नंबर 24वां डिस्कस करेंगे। हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी HP नॉन मेडिकल टेट, HP आर्ट्स टेट, HP JVT टेट और HP मेडिकल टेट। और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ पर सारी वीडियोज़ एड कर रखी है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा है फ्री वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम, यानी अनुवंशिकता जीन्स में पाई जाती है जो कि डैश से मिलती है। तो किससे मिलती है? ऑप्शन दे रखे मदर, फादर, ग्रैंडफादर या फिर पेरेंट्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम, आई होप साहब सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेरेंट्स, यानी अनुवंशिकता जीन्स में पाई जाती है जो कि माता पिता से मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है, परसेप्शन इज सेंसेशन पल्स, यानी प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा डैश के योग से बनती है। ऑप्शन दे रखे मेमोरी, इमेज, लैंग्वेज या फिर मीनिंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। सभी ने चूज कर लिया। तो परसेप्शन इज सेंसेशन पल्स मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा स्मृति के योग से बनती है। प्रत्यक्षीकरण किससे बनती है भाई? संवेदना तथा स्मृति के योग से बनती है। तो अगला क्वेश्चन है, एटीट्यूड इंडिकेट अ पर्सन डैश डायरेक्शन, यानी अभिवृत्ति व्यक्ति की किस दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन दे रखे हैं जनरल, स्पेसिफिक, रॉन्ग या फिर पॉजिटिव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। सभी ने चूज कर लिया। तो एटीट्यूड इंडिकेट अ पर्सन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी अभिवृत्ति व्यक्ति की धनात्मक दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लिकार्ट मेथड ऑफ सबमेटिव रेटिंग्स इज, यानी लिकार्ट विधि डैश बिंदु का स्केल है। ऑप्शन दे रखे हैं 3-पॉइंट स्केल, 5-पॉइंट स्केल, 7-पॉइंट स्केल या फिर 9-पॉइंट स्केल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। लिकार्ट मेथड ऑफ सबमेटिव रेटिंग इज, सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5-पॉइंट स्केल, यानी लिकार्ट विधि 5 बिंदुओं का स्केल है। तो अगला क्वेश्चन है, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई, यानी स्व वास्तविकीकरण या फिर आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं मुरे, जुंग, मास्लो या फिर हॉर्नी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई, सभी ने चूज कर लिया। द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाई मास्लो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन, यानी दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ब्रेन सेल्स, फीमेल सेल्स, मेल सेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर फाउंड इन, सभी ने चूज कर लिया। तो दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई पुरुष कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेल सेल्स। तो अगला क्वेश्चन है, जीन्स वर्क इन, यानी जीन्स डैश में कार्य करते हैं। तो जीन कैसे कार्य करते हैं? ऑप्शन दे रखे सिंगल, ग्रुप, पेयर या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जीन्स वर्क इन, सभी ने चूज कर लिया। तो जीन्स वर्क इन ग्रुप्स, यानी जीन्स समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, साइको डायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ, यानी मनोनिदान डैश का एक भाग है। ऑप्शन दे रखे हैं ट्रीटमेंट मेथड, क्लिनिक मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। साइको डायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ, सभी ने चूज कर लिया। तो मनोनिदान उपचार विधि का भी एक भाग है, नैदानिक विधि का भी एक भाग है, मनोशारीरिक विधि का भी एक भाग है, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अ हाइपोथेसिस इज अ, यानी परिकल्पना एक डैश होती है। तो परिकल्पना क्या होती है? ऑप्शन दे रखे हैं थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी टू बी रिजेक्टेड, थ्योरी टू बी टेस्टेड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अ हाइपोथेसिस इज अ, सभी ने चूज कर लिया। तो हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी, यानी परिकल्पना एक सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट कैन बी डैश, यानी प्रयोगों को क्या किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखें कलेक्टेड, रिपीटेड, रिमेंबर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी, सभी ने चूज कर लिया। तो एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड, यानी प्रयोगों को दोहराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो
तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।